वैम्पायर काट दे तो इंसान वैम्पायर बन जाता है, एक रेडियो एक्टिव मकड़ी काट दे तो इंसान स्पाइडरमैन बन जाता है। तो वैसे ही मूवी में भेड़िया को काटने से इंसान भेड़िया बन जाता है। वे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाय, दिस इज मी शमाला शेख एंड यू गाइस वाचिंग एनएस क्रिएटिव वर्ल्ड। मूवी में म्यूजिक की वजह से हॉरर है 10%, डायलॉग की वजह से कॉमेडी है 80% और स्टोरी 35% है। कॉज इतना मज़ा नहीं आया मुझे। अब मैथ्स पर नहीं जाना मेरे, वैसे ही मेरा मैथ्स वीक है। ये कहानी है शहर में रहने वाले भास्कर की, जो एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है और बड़ी कंपनी से उसको फॉरेस्ट पर हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो वहाँ जाता है, फिर क्या क्या होता है वहाँ, यही है पूरी कहानी। मूवी में बहुत भेड़िया कॉमेडी है और रेफरेंसेस भी डे टू डे लाइफ से फेमस वाले तक, हिमेश रेशमिया से लेके मोगली तक, यशराज मुखाटे से लेके राहुल रॉय तक। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वरुण ने भी बहुत भेड़िया कॉमेडी की है, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, अच्छी कॉमिक टाइमिंग है। वहीं कृति सैनन का भी काम बहुत अच्छा था, सबकी बहुत भेड़िया परफॉर्मेंसेज है। ये भेड़िया भेड़िया का लगा रखा है बे, वरुण बोल। जैक, इज दैट यू? VFX और CGI भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन मजा आया। कहीं कहीं पे अनरियल वाला भी फील आता है, जैसे वरुण और कृति एक सीक्रेट हाइड आउट प्लेस पर जाते हैं, वो मुझे रियल फील नहीं हुआ, कार्टून टाइप थोड़ा लग रहा था। आपको भी कहाँ कहाँ और कार्टून टाइप लगा कमेंट में बताना। मूवी का क्लाइमेक्स काफ़ी हटके और अनएक्सपेक्टेड सा लगा मुझे, और मिड क्रेडिट सीन के तो क्या ही कहने, बहुत धमाकेदार था। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत सस्पेंस बिल्डअप करने के काम आता है, और कहीं कहीं पर मुझे मॉडिफाइड स्ट्रेंजर थिंग्स वाली म्यूजिक फील हुई। कहानी निहायत ही स्लो चलती है, जहाँ फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट और फनी है, वहीं सेकेंड हाफ इंटेंस और सीरियस हो जाता है। मैं मूवी को 3 out of 5 stars दूंगी। ऑनेस्टली बोलूँ तो मूवी के डायलॉग्स, एक्टिंग और थोड़े बहुत स्पेशल इफेक्ट्स ने मूवी को संभाला है, कहानी उतनी दमदार नहीं लगी। तो आपको अगर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसका 3D में मज़ा लेना है और हंसना है तो ज़रूर जाए अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेके, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड। और जो देख के आ गए हैं उनको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।